वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हजरतगंज जीपीओ पार्क पहुंचे जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ब्रीफ किया। विधानसभा में पुलिसकर्मियों को किया गया ब्रीफ। तो आपको बता दें कि जॉइंट कमिश्नर जीपीओ पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया और आगे किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करना है, इस पर ये पूरा ब्रीफिंग सेशन हुआ। स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया गया। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, जॉइंट कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की है और खास तौर पर स्मार्ट पुलिसिंग पे ध्यान देने पर जोर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए हीना जी, बिल्कुल, जो लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं नवीन अरोड़ा, वो आज मॉनिटरिंग करने निकले थे और यही वजह है कि उन्होंने विधानसभा हजरतगंज से, जहाँ पे पुलिसकर्मी को तैनात थे जो ड्यूटी निर्वहन कर रहे थे, उनसे मुलाकात की है और उनको ब्रीफ भी किया गया है। साथ ही साथ स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ ज्यादा फोकस देने की बात कही गई है और किस तरह से स्मार्ट पुलिसिंग को मूर्त रूप दिया जाए, इसको लेकर भी उन्होंने पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो लगातार ये बात निकल कर आई है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरी जब से बनी है, कहीं कहीं स्मार्ट पुलिस से विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है और इसी के मद्देनजर नवीन अरोड़ा खुद इसका जायजा लेने पहुंचे थे और जो कर्मी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं विधानसभा के आसपास हजरतगंज के एरिए में, उनका उत्साहवर्धन भी किया है और साथ ही साथ स्मार्ट पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जाए इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उमेश, जहां एक तरफ गर्मी भी अपना सितम ढा रही है और पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ऐसे में जॉइंट कमिश्नर इतनी सक्रियता से ब्रीफिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, बेहद सराहनीय पहल है ये। बिल्कुल है हिना जी, कहीं कहीं जिस तरह से कोरोना से संक्रमित काल में पुलिसकर्मियों का काफी सराहनीय योगदान था, आप वही अब दूसरी कहीं ना कहीं एक गर्मी को देखते हुए जिस तरह से प्रचंड गर्मी ने अपना रूप धारण कर लिया है, इस समय में भी वो अपने ड्यूटी का सशक्तिकरण के साथ वो अपने ड्यूटी निर्वहन कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ये जरूर एक बड़ी बात है और अच्छी बात है और यही वजह है कि उत्साहवर्धन करने के लिए खुद जो जॉइंट कमिश्नर है नवीन अरोड़ा वो पुलिसकर्मियों को बीच गए और स्वयं वो खड़े होकर वहाँ पे अधिकारी जो पुलिसकर्मी थे उनको निर्देश भी दिए, उन्होंने ब्रीफ भी किया और लोगों को सराहना भी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।